कोटा से सिर्फ कोचिंग छात्रों को ले जाने पर कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा ने सीएम योगी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया था कि अन्य राज्य सभी एहतियात बरतते हुए अपने नागरिकों और छात्रों को ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। वैसे राजस्थान में सभी लोग सुरक्षित हैं, उन्हें भोजन, रहने, इलाज की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन अच्छा होता कि यदि योगी जी छात्रों के लिए चिंतित हो रहे हैं, उन्हें यूपी ले गए, वैसे ही चिंता वे यूपी के मजदूरों की भी करते और अन्य राज्यों के रुके हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रधानमंत्री जी को एक सजेशन दिया था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आपसी तालमेल बैठाते हुए अपने अपने से संबंधित राज्यों के नागरिकों को ले जा सकते हैं पूरी एहतियात बरतते हुए। और इस क्रम में माननीय योगी जी ने जब मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि उनके राज्य के छात्र जो कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें वो ले जाना चाहते हैं, तो उसको मूर्त रूप दे दिया गया। लेकिन एक चीज़ और है कि इस चीज़ में ये भी सुनिश्चित होना चाहिए था कि एक विशेष वर्ग के लोग ही से लाभान्वित नहीं हो, जिन्हें हम सक्षम श्रेणी के नागरिक मानते हैं, वो लोग भी इस चीज़ की दरकार रखते हैं, जो लोग मजदूर श्रेणी के हैं कि वो अपने अपने राज्य में पहुँचें, इस चीज़ को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि राजस्थान राज्य पूरी तरह से सक्षम है वो किसी भी राज्य के नागरिक को सुविधाएं मुहैया करवाने में, और पूरे राज्य में कम्युनिटी किचन हमने शुरू कर रखे हैं ताकि कोई भी भूखा नहीं सोए। साथ ही साथ किसी को यदि चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है तो वो भी सुलभ करवाई जा रही है। तो छात्र कोटा गए हैं यूपी के, उन लोगों को भी आइसोलेशन क्वारंटाइन की सुविधा दी गई थी, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, उन्हें कभी भी खाने पीने या रहने की कोई दुविधा उत्पन्न नहीं हुई। तो हमारा ये मानना है कि कोई भी नीति हो तो उसमें समानांतर रूप से हर नागरिक उससे